नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सबसे पहले बात हम करने वाले हैं मिडिल ईस्ट पर मंडराते खतरे की। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तक कैसे पहुंचा इजराइल, साइबर अटैक से मोसाद को क्या हासिल हुआ और अमेरिका ने ईरान को क्यों दी है धमकी। वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के काउंटडाउन के बीच ईरान में बड़ा साइबर अटैक हुआ। ईरानी साइबर स्पेस के पूर्व सचिव ने दावा किया है कि खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और करीब करीब सभी सरकारी सेक्टर्स को प्रभावित किया है। ईरान और इसराइल के बीच किसी भी वक्त भीषण जंग छिड़ सकती है, अमेरिकी रक्षा सूत्रों के हवाले से आशंका जताई गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रॉक्सी वॉर में अमेरिका के बावजूद इसराइल खुद से हमले की रणनीति गुप्त रखे हुए है। इसराइल ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रखी है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ऐसा हमला चाहते हैं जिससे दुनिया को बड़ा संदेश जाए, लेकिन इसराइल के सामने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इसराइल के संभावित हमले को लेकर ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट है। उसने अहम मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा के लिए एक मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली तैयार की है। इसमें रूस में बने S-300, SA-22 और स्वदेशी खोरदाद और बावर 373 जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव के संकेत पर अमेरिका ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प खुले हुए हैं। ईरान की धमकी के बाद खाड़ी देशों में भी भारी दहशत है। 4 देशों ने इसराइल और अमेरिका को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से मना कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने जॉर्डन, UAE, सऊदी अरब और कतर को मदद करने पर हमले की धमकी दी है। ऑयल डिपो एटमी साइट पर हमले के डर से ईरान ने इसराइल के खिलाफ नई रणनीति तैयार की है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेशकियान और विदेश मंत्री के कई मुस्लिम देशों के दौरे के बाद अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है। UAE, बहरीन और कतर ने इसराइल से संभावित हमलों को लेकर US से चिंता जताई है। इसराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहे ईरान ने करारा जवाब देने की रणनीति बनाई है। CNN की रिपोर्ट है कि खामनेई ने IRGC कमांडर्स को बेरूत भेजा है। हिजबुल्ला को दोबारा मजबूत कर नसरुल्ला का उत्तराधिकारी तय कर ईरान बड़ा संदेश दे सकता है। इसराइल की जंगी तैयारियों को देखते हुए ईरान ने भी पुख्ता तैयारियां की है। IRGC ने इसराइल के खिलाफ अपनी 2000 मिसाइलों को मोर्चे पर रेडी रखा है। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर ये दावा किया। न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।